चलो नेक्स्ट निकालो, न्यू पेज से, नए पेज से स्टार्ट करो, लिखो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, 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 शॉर्ट फॉर्म में ब्रैकेट में लिखो HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, HOH लिखो, लिखो एनर्जी रिलीज्ड, लिखो एनर्जी रिलीज्ड, HOH, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज हाइड्रोजिनेटेड, इज हाइड्रोजिनेटेड, इज हाइड्रोजिनेटेड, और ब्रैकेट में लिखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजिनेटेड का मतलब लिखो ब्रैकेट में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड, टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड, टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड। मैंने बेटा यहां पर एक चीज ये लिखा है कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का मैंने जो डेफिनेशन लिखा है वहां पर हीट रिलीज्ड लिखाया है, क्या लिखा है मैंने, हीट रिलीज, इसका मतलब क्या होगा कि जब आप किसी भी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को कराओगे तो वहां से एनर्जी रिलीज होगा। अब हम ये चीज देखेंगे क्यों रिलीज होगा, ये एंडो क्यों नहीं हो सकता, जबकि हम करते क्या है इसमें दिक्कत, देखो सुनो बता दो होगा क्या, जो HOH है मान लो कि हमने सीरियल बॉन्ड सी लिया, ध्यान देना बेटा, और मैंने यहाँ पे H2 ले लिया, H2 को क्या हम HH लिख सकते हैं, ऐसे अब मैंने क्या किया इस पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, इस H को तोड़ दिया, बताओ ना, तो अब इस H को तोड़ा, इस पाई बॉन्ड को तोड़ा, अब बताओ ये H कहाँ पे जाएगा, एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री हुआ बेटा, समझो जरा ध्यान से, एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री हुआ बेटा और एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री हुआ, कितने हाइड्रोजन यहाँ पर, दो है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और क्या बना देगा, देखो ये तो बताओ ये कंपाउंड कैसा था, अनसैचुरेटेड बोलो, और ये कैसा बन गया, अनसैचुरेटेड मतलब समझ रहे हो, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, और सैचुरेशन का मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड। तो यहां पे किसका एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, कहां पे हो रहा है, अनसैचुरेटेड में हो रहा है, और जब एडिशन हो जा रहा है तो उसके बाद क्या बन जा रहा है बताओ, सैचुरेटेड कंपाउंड बन जा रहा है। तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी इस रिएक्शन का, जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी डेल एच हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का वैल्यू कैसा होगा, नेगेटिव होगा, या फिर यानी प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, प्रोसेस कैसा होगा। अब क्यों एक्सोथर्मिक होगा, कितने लोगों के माइंड में ये बात आ रही है, आप ये सोच रहे होगे भाई कह रही यहाँ तो बॉन्ड ये वाला भी तोड़ना पड़ रहा है और ये वाला भी तोड़ना पड़ रहा है, एनर्जी तो रिक्वायर्ड होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे उल्टा एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अच्छा क्वेश्चन है, अब देखते हैं वही बात, हाँ रीजन सही है आपका, बिल्कुल सही कि जब कभी भी हम अनस्टेबिलिटी से कहाँ जाते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ, तो हमेशा एनर्जी क्या होता है, रिलीज। तो उसका रीजन और भी समझ लेते हैं कि भाई रिलीज होता क्यों एक्चुअली में, तो भी जरा देख लेते हैं, उस बात को भी कर लेते हैं। तो जरा देखो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ कि एनर्जी रिलीज क्यों होगा, पहले मैं आपको ये बता दूँ, फिर इसके बाद इसकी कंडीशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, पर इसके क्वेश्चंस बेटा बहुत आते हैं, HOH और HOC के भी आते हैं, HOH के ज़्यादा आते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इसके HOH के, और यहाँ पर भी गड़बड़ होता है, और यहीं पर कुछ दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जो एकदम गड़बड़ करने वाले हैं, जो हम आपको बता देंगे डायरेक्ट उसके, ठीक है। जैसे एक सुनो जरा सा, ध्यान से देखो जरा सा, एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल ले लिया जाए, या फिर हाँ चलो, मैंने कहा कि हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ठीक है। अब बेटा इसने बनाया क्या बताओ, CH3। अब बताओ ये था अनसैचुरेटेड और ये क्या हो गया बताओ, सैचुरेटेड, और हमने कहा किसका डेल एच निगेटिव, अभी हम नहीं बोल रहे हैं, अब हम प्रूव करेंगे इस चीज को, लॉजिकली देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब अपना पेन सब लोग नीचे डालो थोड़ी देर के, ये कोई भी आपसे और पूछ सकता है कि भाई ऐसा क्यों होता है, रीजन प्रॉपर पता होना चाहिए ना, देखते हैं क्या है रीजन। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, व्हेन, पहले भी बता चुका हूं, देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या बताओ आगे कंप्लीट कराओ इसको, व्हेन देयर इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज ऑलवेज
रिलीज्ड। बोलो, एनर्जी इज ऑलवेज, एंड व्हेन देयर इज अ बॉन्ड ब्रेकिंग, एनर्जी ऑलवेज यूज्ड, रिक्वायर्ड टू मोर बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, मगर ये बोल दे कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, क्या हम सही बोल, ये बात सही है कि गलत है, बताओ। मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म्ड, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये सब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इन सब चीजों को, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन, वो सारे में, एक्चुअली ये एडिशन रिएक्शन ही है। सो मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म्ड, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर बेटा बात यहां तक? बोलो बताओ। अब चेक करते, चलो स्ट्रक्चर के साथ इसको चेक करते हैं, ध्यान देना। मैं H तो ऐसे ही रहने देता हूं जैसा है, डबल बॉन्ड CH2 प्लस, मैंने इसको HH ले लिया ऐसे, और इसको मैंने, अब बता बता ये टूटा, कौन सा बॉन्ड टूटा? वन सिग्मा ब्रेक, मैं साफ साफ लिख रहा हूं, वन सिग्मा ब्रेक। क्या टूटा? वन पाई ब्रेक। तो नो डाउट यहां पे एनर्जी लगी होगी, यहां पे एनर्जी लगी होगी। डेल्टा H का मतलब क्या होता, कि नेट एनर्जी कितनी लगी। हम डेल्टा H की बात करें तो बेटा क्या होता, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सुन लेना बेटा, पेन अगर किसी का चल रहा है तो प्लीज रखो थोड़ी देर के लिए, एंड पेन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड है कि नहीं बताओ, बताइए। एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। मान लेते हैं कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कुछ डेल H, कुछ यहां पर E1 है, एंड दैट इज सपोज प्लस एक्स, कितना बताओ, ठीक है, ले लिया मैंने। अब जब ये टूटा तो क्या प्रोडक्ट बना सकते हो, क्या बना जरा बताओ बेटा, आप मुझे बताओ। ये CH2 ऐसे लिखूं मैं, एक बॉन्ड तो टूट चुका है, ऐसे लिख दिया मैंने, पता ना। ये हाइड्रोजन निकल के कहां लगेगा, एक हाइड्रोजन बेटा इस कार्बन पे लग जाएगा, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे लग जाएगा, इज इट करेक्ट। तो यहां पर एक हाइड्रोजन लग गया और यहां पर हाइड्रोजन एक लग गया, कितना बॉन्ड। अब रुको एक सेकंड, अगर कुछ लोग ध्यान दिए होंगे तो बात अभी तक समझ में आ गई होगी। अगर आप ध्यान दो तो जरा देखो, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूट रहा है। तो अगर आप ध्यान दो तो ये वन सिग्मा और ये भी वन सिग्मा, टू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, टू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और इसकी वजह से भी एनर्जी क्या, इसकी वजह से एनर्जी क्या होगी, रिलीज, एनर्जी इज रिलीज। समझो बेटा छोटी छोटी बातों को भी बहुत सही तरीके से। क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है, यहां पर एक पाई और एक सिग्मा टूटा था और यहां दो सिग्मा बन गए, तो ठीक है एक सिग्मा को चलो हटा लेते हैं भाई, दो सिग्मा थे, चलो एक सिग्मा को हटा लेते हैं। तो अगर हम एक सिग्मा ये हटा दें और यहां से एक सिग्मा ये हटा दें, मतलब हमारे पास क्या, यहां पर वन सिग्मा प्लस वन सिग्मा फॉर्म। तो अगर हम इस सिग्मा को और इस सिग्मा को हटा लें तो बताओ बेटा क्या बच रहा है, जरा बताओ। यहां पर एक सिग्मा ये बच रहा है और एक पाई ये बच रहा है। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप बताओ बेटा ये कौन सा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, शायद आंसर मिल गया होगा। और ये बॉन्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो बताओ वीक बॉन्ड टूट रहा है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा। सो नेट एनर्जी इज रिलीज, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। क्या प्रॉपर रीजन समझ में आया, फिर से सुनो एक बार रिपीट कर रहा हूं, रिपीट करो बेटा ध्यान देना, सुनो जरा ध्यान से एक बार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसके बाद कुछ डाउट हो बेटा देखो एक बार फिर से बोल रहा हूँ बेटा। यहाँ पे एक पाई टूटा, यहाँ एक सिग्मा टूटा, कुछ एनर्जी लगी, यहाँ दो सिग्मा बने, एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। बोलो एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। इस एक्स वाई का कॉन्सेप्ट हटाओ, सीधे ऐसे समझ जाएंगे। तो यहां पर एनर्जी लगी है, यहां पर एनर्जी रिलीज हुई, हमें तो नेट देखना कि ओवरऑल क्या हुआ। तो बेटा था यहां पर दो सिग्मा बन रहे हैं और यहां पे एक पाई टूट रहा है और एक सिग्मा टूट रहा है। तो बताओ एक सिग्मा यहां पे टूटा और एक सिग्मा यहां पे बन गया, तो चलो एक को हम हटा लेते हैं कंपेरिजन के लिए। तो बताओ क्या बचा, कि एक पाई टूट रहा है और एक सिग्मा बन रहा है। अब बताओ बेटा पाई टूट रहा है और सिग्मा बन रहा है, तो वीक बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो कम एनर्जी लगेगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो मान लो 10 लगा, 20 निकल गई, तो नेट क्या हुआ, कितनी निकली, 10 लगी, 15 निकल गई,
ओवरऑल कितनी निकल गई? 5 निकल गई. सो नेट रिएक्शन इज नेगेटिव एंड दैट नेट रिएक्शन एंड नेट प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक. दैट्स व्हाई हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हाँ दुराव, कितने लोगों की बात समझ में आई? पक्का है ना बेटा, एकदम क्लियरली बता सकते हो कि व्हाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो नेट एनर्जी रिलीज्ड, नेट एनर्जी इज रिलीज्ड, खत्म. सो डेल एच हाइड्रोजिनेशन इज नेगेटिव एंड क्या बताओ? एक्सो. इसलिए मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है पढ़ लो जरा, हीट रिलीज्ड ही लिखाया है सीधे सीधे. आप किसी को कोई डाउट हो, निसंकोच किसी लाइन में, किसी पॉइंट में, कहीं पर भी डेफिनेशन में कोई दिक्कत है, आप पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन. वैसे डाउट आने नहीं चाहिए, सारा चीज तो क्लियर बता दिया आपको भाई. वीक बॉन्ड टूटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, तो वीक को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगी, और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई, तो नेट क्या हुआ? रिलीज ही तो हुई. दैट्स राइट. एक्सो जल्दी जल्दी करो बेटा. ये क्या लिखा पढ़ के बताओ, पढ़ो क्या लिखा है ये? अनसेचुरेटेड. और ये क्या लिखा है? गजब है, क्या बात है. अच्छा बताओ ये क्या लिखा है? अरे वक्तर ना, क्या बात है भाई, मजा आ गया मतलब. ओके जल्दी फास्ट. आपको पता नहीं कि रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है, और एक रोटेशन एक एनर्जी बैरियर होता है जिसको लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं. तो बेटा रिएक्टिंग पास अपनी खुद की एनर्जी होती कि नहीं होती है? अच्छा खुद की एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी है तो वेलोसिटी भी होगी. सुन लो आप सब लोग, अगर अब ये इन्होंने पूछा कि भाई ये दोनों तो रखे हुए थे ऐसे ही, ये कैसे रिएक्ट कर गए, कुछ क्या करना, क्या हमने हीट किया या मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो हम आप तो उसका जवाब इनको हम दे रहे हैं. ये है CH2CH2 और ये है हाइड्रोजन. इसका भी अपना, किसी भी सिस्टम का अपना खुद का कुछ ना कुछ एनर्जी होता है. पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसका टोटल एनर्जी जीरो हो. तो अगर इसका एनर्जी है तो बट इनका काइनेटिक एनर्जी भी होगा, अगर इनका काइनेटिक एनर्जी होगा तो ये मूव भी करेंगे, और अगर मूव करेंगे तो लभाई टकराएंगे एक दूसरे से, और जब टकराएंगे एक दूसरे से तो एक का एनर्जी दूसरे में क्या होगा? ट्रांसफर होगा. तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होने लगता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग का चांसेस बढ़ जाता है. और फिर जो काइनेटिक्स में आप पढ़ोगे कि कोलिजन्स होते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं काइनेटिक कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. तो जो कोलिजन होता है, कोलिजन भी सारे कोलिजन से बॉन्ड नहीं टूटता है, कुछ इफेक्टिव कोलिजन का कॉन्सेप्ट आता है जिसमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है. तो जो कोलिजन होगा उस कोलिजन के एक पर्टिकुलर कोलिजन से बॉन्ड टूटने के चांसेस बढ़ेंगे, और जब बॉन्ड टूट जाएगा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है उसके बाद, या फिर ट्रांजिशन स्टेट आता है उसके बाद ही फाइनली क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है. तो सो दिस एनर्जी इज ड्यू टू प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड प्रॉपर इफेक्टिव कोलिजन्स. भाई टकराएगा, घूम रहा है तो टकराएगा. अब जो कुछ रिएक्शंस हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, हमें उनको करवाना होता है, तो भाई बेटा हमें उसके लिए फिर क्या करना होगा? एक्सटर्नल एजेंट लाइक इलेमिनेशन रिएक्शन को हमें हीट करना पड़ता है, तो फिर कराना पड़ेगा. क्या हो गया? स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है? तो हम लोग क्या देखना चाहते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन और स्टेबिलिटी ऑफ, अच्छा ये चूंकि हम लोग डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? डबल बॉन्ड की बात. उसके पहले एक चीज पूछे आपसे, पूछ ले बेटा, ये हमारे पास है C ट्रिपल बॉन्ड C और ये C डबल बॉन्ड C. ये अल्कीन है, सॉरी ये अल्काइन है और ये अल्कीन. हमें दोनों का क्या कराना है? हाइड्रोजिनेशन. किसमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा होगा? अल्काइन में कि अल्कीन में? अल्कीन में, अल्काइन में, अल्काइन में ना, क्योंकि दो पाई बॉन्ड टूटेंगे और 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन उधर लगेंगे. समझ रहे बात की नहीं? तो ध्यान रखो ये ऑर्डर, आप पहले ध्यान रखना कि कभी अल्काइन HOH C डबल बॉन्ड C का ज्यादा होगा किससे? C डबल बॉन्ड C से. क्लियर है?
पक्का ना? आप पे मेरी खास नजर रहती है, समझ आ रहा है ना? आज कुछ कम लोग नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। क्या सभी लोग हैं ऑलमोस्ट? पॉकेट में क्या बेटा? किसका पॉकेट में डाल लिया? कुछ लोगों को साइंस सिर्फ ये बता रहा है, मान लो ज्यादा निगेटिव मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। मैथमेटिक्स मतलब क्या ना? केमिस्ट्री में बहुत जगह पे आपको मैथ्स नहीं लगा, लगा दिया तो कहानी गड़बड़ी है। पता चला कि मैंने बोला कि कंपाउंड है उसका वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है -30 कर रहा है और दूसरा कर रहा है -40। आपसे पूछा कौन ज्यादा कर रहा है, तो -30 तो बड़ा होता है, -40 तो कम होता है। तो -30 बड़ा है तो इसका मतलब ये ज्यादा हो गया। अरे बेटा -9 सिर्फ क्या बता रहा है कि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है बस। तो अगर -40 है और -100 है कहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई? 100 में। -9 सिर्फ क्या बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, वो प्रोसेस एक जो है बस। इसलिए मैथमेटिक्स मत लगा देना कहानी। तो केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स पता है फेल हो जाता है, केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स फेल हो जाता है, समझ रहे हो बात की? ओके नाउ अब हमने क्या किया, केस लिया हमने, केस वन। हमने कहा सुनना जरा, अब एक बहुत अच्छा चीज, एक रिजल्ट निकालेंगे, अब ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखाएंगे इसमें रिजल्ट, हम ये निकालना चाहते हैं। केस वन है, सुना, डिफरेंट रिएक्टेंट है एंड सेम पाई बॉन्ड, डिफरेंट रिएक्टेंट एंड जो प्रोडक्ट बनाए गए वो सेम प्रोडक्ट्स बनेंगे, फॉर्मिंग सेम प्रोडक्ट्स। समझाता हूं कैसे, यहां देखो हमने ये लिया ए, मैंने लिया बी, बताओ क्या ये डिफरेंट रिएक्टेंट है कि सेम रिएक्टेंट है? बोल जल्दी से, पाई बॉन्ड डिफरेंट रिएक्टेंट है और पाई बॉन्ड सेम है। ओके अब बेटा अगर हम इसका हाइड्रोजनेशन करा दें HH, इसका भी अगर हम हाइड्रोजनेशन करा दें HH, तो क्या सेम प्रोडक्ट बनेगा बताओ? अरे भाई ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसमें ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो डबल से सिंगल हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। और वैसे भी बॉन्ड लाइन डायग्राम में हम हाइड्रोजन को दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते। तो बॉन्ड टूट गया और क्या बना दिया बताओ? इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ लग चुका है, एक हाइड्रोजन यहाँ लग चुका है, वो हम दिखा नहीं रहे। इसको भी अगर आपने तोड़ा तो बताओ क्या सेम प्रोडक्ट है? थोड़ा जरा ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट रिएक्टेंट एंड सेम पाई बॉन्ड एंड सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अच्छा प्रोडक्ट अगर सेम मिल रहे हैं तो दोनों का स्टेबिलिटी भी सेम होगा। बोलो बोलो, दोनों का स्टेबिलिटी भी क्या होगा? अच्छा दोनों का स्टेबिलिटी भी अगर सेम होगा तो दोनों का एनर्जी भी सेम होगा। क्या कहानी समझ में आ रही है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा अब ये जरा बताना, ये एल्कीन, अब बताओ इन दोनों में, सुनना मेरा जरा सा, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? सिंपल सी बात है, एनर्जी रिलीज होता है भाई, तो एनर्जी रिलीज हो गया मतलब प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा इसमें, तो ये मोर स्टेबल है। बोलो ये भी क्या है, ये क्या है, सुनना जरा सा बात को ध्यान से, मैं क्या बोलना चाहता हूँ बेटा, ये भी क्या है, लेस स्टेबल। यहां से रिजल्ट आएगा। अब अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें, इनमें दोनों का स्टेबिलिटी क्या है, सेम है, सेम एनर्जी, सेम एनर्जी एंड सेम, बेटा मैं कोई गलत लिख रहा हूं या बताओ कुछ समझ में दिक्कत है कोई यहां पर? अरे एक ही चीज है भाई, जो ये है वही है, तो जब जब दोनों एक ही हैं तो उनका एनर्जी भी वही है और स्टेबिलिटी भी वही है, लेकिन ये तो डिफरेंट है ना, आप इसके रिस्पेक्ट में ये लेस स्टेबल है, क्यों लेस स्टेबल कोई बताएगा मुझे? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई है तो इस ज्यादा स्टेबल हो गया ना, एक जो थर्मिक था एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गया, स्टेबल हो गया। ओके अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? यूज हाइपर कॉन्जुगेशन, यूज हाइपर कॉन्जुगेशन, याद है कुछ? तो आप इसको बॉक्स के अंदर कर लो बंद, इसको भी बॉक्स के अंदर कर लो बंद, और बताओ बेटा इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे CH3 है, यहाँ भी CH3 है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, ये पते की बात बताने जा रहा हूँ आपको।
अब इसके बाद देखें तो इधर तो कुछ है नहीं, यहाँ पे सिर्फ CH2 है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, विच वन इज मोर स्टेबल इन दोनों में बात करें तो टेबिलेस है, एबिलेस है, पर अगर हम दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो बताओ स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो बताओ बेटा ए इज ग्रेटर देन बी, और अगर हम एनर्जी की बात करें तो बी ग्रेटर देन ए। ये कहाँ कंपाउंड कह लें सेट जब कहाँ लगाया बेटा तुम? नहीं वो सब कुछ याद ना है, जितना याद दिला रहे हैं वही याद है अभी फिलहाल। कोई डाउट, एनी डाउट यहाँ तक? कोई डाउट बेटा किसी को? सिंपल क्लियर बात है ना, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबिलिटी, लेस हाइपर कॉन्जुगेशन लेस स्टेबिलिटी। अब ये ज्यादा अब हम क्या करना चाहते, सुनो हाँ बेटा इस कंपाउंड की एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अरे ये कंपाउंड ये है ना बेटा, इसका कुछ एनर्जी होगा ना, वो इसका एनर्जी है, इसका कुछ एनर्जी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इसकी इन दोनों की कंपैरिजन कर रहा हूँ कि इसमें किसका। अरे भाई बताओ इन दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो, इन दोनों की एनर्जी कंपेयर नहीं कर रही, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो क्या होगा मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा क्या होता है बताओ, किसी भी रिएक्शन का जो रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है कि नहीं होता है? आप सुनना जरा सा, अब मैं क्या दिखाने जा रहा हूँ आपको, देखो जरा ध्यान से, ये है एनर्जी, क्या है बताओ एनर्जी, ठीक, और ये इधर है कोऑर्डिनेट्स कुछ रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स। कोई नोट पेन नीचे रखो, पेन नोट मत करो अभी, इस कॉन्सेप्ट के लिए नोट मत करो प्लीज। अब हमारे पास एक है ए और एक है बी, बताओ ए और बी में बेटा किसका एनर्जी ज्यादा, जल्दी देख के बताओ, बी का एनर्जी ज्यादा है, तो क्या हम बी को ऊपर लिखें? बोलो किसका एनर्जी कम है, ए को कहां लिखें? ये दोनों रिएक्टेंट है, हाँ थोड़ा यहाँ कितने लोग यहाँ तक बात समझ में आई, एकदम क्लियरली एकदम सिंपल से बात है भाई, साफ साफ लिखा है एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन। अच्छा बताओ ये इसको बोल देते हैं कि दोनों सी तो है बेटा, दोनों क्या सी तो है, सेम है ना एकदम, अब सी कहाँ पे होगा, सी का एनर्जी बताओ, सी का एनर्जी अरे ये मोस्ट स्टेबल है या फिर इनके रिस्पेक्ट में ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है भाई, इन सब में कंपैरिजन करोगे तो ये क्या है, मोस्ट स्टेबल है। तो बताओ ईसी जो होगा क्या होगा, लीस्ट, क्या होगा लीस्ट, इसको आप बोल सकते हो यहां पर ई बी इज ग्रेटर देन ये, अब ठीक है, तो ये क्या है किसका एनर्जी है बताओ, यहां पर ये किसका एनर्जी है बताओ, ये ई बी है बेटा, बताओ ये किसका एनर्जी है, ई ए है, कोई दिक्कत है? ये ग्राफ समझो थोड़ा सा, ग्राफिकल क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकता है बेटा, ग्राफिकल क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकता है। अब ये सी कहाँ पे होगा बता रहे जरा मुझे आप, अरे यहाँ कहीं होगा नीचे, जहाँ भी हो चलो यहाँ कहीं मान लेते हैं, प्रोडक्ट रिएक्शन कोऑर्डिनेट है तो प्रोडक्ट है तो आगे जाएंगे यहाँ कहीं, यहाँ पर क्या है बताओ सी, और ये किसका एनर्जी है बताओ। अभी आपको क्लियरली मैं बता दूंगा कि HOH और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, सीधे साफ साफ इस ग्राफ से नजर आएगा, और यही तो डिटेल हमें समझनी है एक्चुअली में। अब बताओ आप बेटा ए से कहाँ जा रहे हो, सी जाया जाए, ऐसे कहाँ जा रहे हैं, जाया जाए, चलो देखो तो ऐसे सी जा रहा हूँ मैं, देखो तो ऐसे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हम ऐसे दिखाते कि नहीं दिखाते याद करो, काइनेटिक्स में याद करो। बी से कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा ऊपर से करें और ऐसे लाइन, हाँ सी, हाँ 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 वही कर रहे हैं अब, ठीक देख लेना थोड़ा अच्छे से बना लेना, हमसे भाई ऐसे ही बना। आप बताना जरा सा मुझे बेटा, आप बताओ जरा सा मुझे बताओ, व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर ए, जल्दी बताना मुझे ए के लिए, ध्यान देना सब लोग, दो मिनट के एकदम फोकस करो, एकदम क्लियर होने कहानी, बताओ बेटा इन दोनों का जो ए और सी का जो डिफरेंस आएगा क्या वही डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, क्योंकि हाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो क्या हम यहाँ पर बोले कि ये बताओ किसका एनर्जी है, जरा यहाँ से यहाँ तक बताओ, ये एनर्जी, ये किसका एनर्जी है बताओ, ई ए का, और ये किसका एनर्जी है, ई सी का, तो ये ए है और ये क्या है, सी है, बोलो ये ए है और ये, अब इन दोनों का जो भी एनर्जी का डिफरेंस आएगा वही क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ क्या,
तो क्या मैं यहाँ पे इसको बोल दूँ डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन ऑफ क्या ए, बताओ आप जरा बताना ये किसका एनर्जी है, ये ईबी है और ये क्या है बताओ बेटा ईसी है। अब ये और ये जो एनर्जी का डिफरेंस आया बताओ बेटा बी और किसमें सी। अब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जो भी आप निकालोगे जो भी एनर्जी का चेंज आएगा वो कौन सा चेंज आएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बी, इन दोनों का डिफरेंस बी और सी का डिफरेंस। देखो यहाँ पर बी और सी का डिफरेंस क्या आएगा बताओ, डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन ऑफ क्या बेटा बताओ बी। ये बी का है और ये किसका है ए का है। हाँ तो उठा दो जरा सर, नहीं आया तो दोबारा ग्राफ खींच दूंगा, दोबारा खींच दूंगा मैं कुना सच बता, हेजिटेट मत करना बेटा, देखो कितना मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ इस बात को समझाने के लिए आपको, और अगर दिक्कत है तो मुझे बताओ दूसरा ग्राफ खींच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा बोलो। कुछ नहीं देखो सिंपल एक तरीका बताओ सिंपल सा, इन दो ए और सी का डिफरेंस क्या होगा डेल्टा एच ऑफ हाइड्रोजनेशन, बी और सी का डिफरेंस क्या होगा डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन, ए और सी का डिफरेंस क्या है डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन ऑफ ए, बी और सी का डिफरेंस क्या होगा डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन ऑफ बी। ये तो होगा कि नहीं होगा आप जरा बताना, किसका हाइड्रोजनेशन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ डेल्टा, देख लो बेटा ये बड़ा है कि नहीं यहाँ से यहाँ तक बेटा, डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन ऑफ क्या बताओ बी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन ऑफ ए। रुको रुको अभी रुको जस्ट वेट, इतना समझ में आया कि ये वाला वैल्यू ज्यादा है और ये वाला वैल्यू कम है। मैं डायरेक्ट लिखा सकता था एक ही लाइन लिखाना था, पर ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे आप अच्छे लेवल पे, लोटी डूब जाएगी वहां पे, तो हमें डूबने नहीं देना है, हमें चीज को समझ के आगे बढ़ना है। इतना बात क्लियर है सबको, अब जरा बताना ए, ये बी है बेटा और ये ए है, विच वन इज मोर स्टेबल, यहां से देख के बताओ बी और ए में कौन ज्यादा स्टेबल था, ए ज्यादा स्टेबल था बोलो। तो ये है मोर स्टेबल, रुको एक रिजल्ट आया देखो, और ये क्या है लेस स्टेबल। अच्छा बेटा जो लेस स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, जो लेस स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखो ज्यादा है कि नहीं, और जो मोर स्टेबल है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड स्टेबिलिटी, इनवर्स रिलेशन। बस ये एक लाइन समझाना था इसके लिए ग्राफ बनाया। कितने लोगों को समझ में आया उठाओ हाथ, पक्का ना एकदम, ये ज्यादा स्टेबल है उसका ये इसका एनर्जी ज्यादा है और इसका स्टेबिलिटी कम है, इसका एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी, यानी हम क्या कह सकते हैं कि एच ओ एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कोई दिक्कत बोलो। ये रिजल्ट है, अब आपने शायद कुछ लोग ये तो नहीं सोच रहे कि सर सीधे क्यों नहीं लिखा दिया, कोई सोच रहा है क्या ऐसा, तो बेटा ये सब कहानी कौन समझाता आपको, इस टाइप के ग्राफ आते तो क्या करते हैं हम फिर उस टाइम पे। और कंडीशन ये कब आया ये भी ध्यान रखना, व्हेन सेम पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या है सेम है, तब उस केस में कैसा रिलेशन आएगा इनवर्स रिलेशन आएगा। अभी केस टू भी बताऊंगा प्रोडक्ट, तो बेटा देखो अगर डिफरेंट रिएक्टेंट है मतलब पाई बॉन्ड सेम है, मतलब डिफरेंट रिएक्टेंट मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम है दोनों का, तभी तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। ये बात आप लोगों ने कब यूज किया, जब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या थे सेम थे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैसे थे इक्वल पाई बॉन्ड्स थे, और उस केस में हम फिर क्या चेक करेंगे स्टेबिलिटी चेक करेंगे, और कैसे रिलेशन आना चाहिए दोनों में इनवर्स रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। केस टू क्या हो सकता है, हाँ तो केस टू इफ डिफरेंट पाई बॉन्ड अब तो हम सीधे बोल सकते हैं कि मोर पाई बॉन्ड, बताओ खुद बोलो जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतने ही ज्यादा एनर्जी अल्टीमेटली क्या होगा रिलीज होगा, जब तोड़ोगे तो उधर उतने ज्यादा सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, मैकेनिज्म पे जाओ
सो मोर पाई बॉन्ड मोर एचओएच सीधे सीधे यानी कि एचओएच एचओएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कब जरा बताओ व्हेन डिफरेंट पाई व्हेन डिफरेंट पाई बॉन्ड्स बेटा बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो बट दिस रूल इज नॉट अप्लीकेबल फॉर बेंजीन रिंग इसलिए अप्लीकेबल नहीं है बताओ बेंजीन रिंग करती कौन सी अप्लीकेबल नहीं है सुनो जरा सा एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल लेते हैं जरा सा बी सी चलो बताओ बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सी में ज्यादा होगा बोलो भाई हीट ऑफ हाइड्रोजन किसमें ज्यादा होगा मोर पाई बॉन्ड इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ सी बी ए तो अगर डिफरेंट पाई बॉन्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है बट इसमें एक बेंजीन के लिए बट एक एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद करना पड़ेगा वो मैं लिखता हूँ वो आप जरूर ध्यान दें वैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा बेंजीन टाइप कंपाउंड्स के लिए मतलब साइक्लिक बेंजीन टाइप मतलब कुछ इस टाइप को बता रहा हूँ no. क्या बोल साइक्लोहेक्सेन बेंजीन रिंग एंड साइक्लोहेक्सेन टाइप के कंपाउंड या साइक्लोहेक्सेन इस टाइप के कंपाउंड्स देखो जरा सर ये एग्जांपल है ए मैंने ले लिया ये बी मैंने लिया ये अच्छा मैं एक काम करता हूँ ये दोनों एक्सेप्शनल केस मैं आपको लिखा ही देता हूँ केस और सीधे सीधे इसको क्या कर लेना है आपको सीधे बेटा ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है आपका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है जरा देखना सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड कहां पे सी में कहां पे बताओ सी में तो सी का रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए तो जबकि मैंने कहा कि यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है इन तीन में इन तीन की और बात नहीं करूंगा इन तीन की बात हो रही है एक में दो एक और एक में तीन और ज्यादा नहीं कुछ और आ जाए तो जैसे नॉर्मल रूल है जो एक्सेप्शनल है वो सामने बट बाकी सबके लिए क्या है नॉर्मल रूल है इसमें जो होता है एक्चुअल जो ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ एच ओ एच पता क्या होता है मैं ऐसे बी सी उसके फॉर्म में नहीं लिखूंगा ऐसे लिखूंगा होना क्या चाहिए था बेटा सी बी बट दिस विल बी बी सी यू हैव टू लर्न दिस वन अरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ भी चुका है डिफरेंस पूछा गया है और इसको ध्यान भी रखना रीजन है बेटा इसमें कई सारी चीजें हैं बट लर्न दो सीधे कर और एक और बता देता हूँ दो एग्जाम्पल्स हैं इसमें बेटा एक ये और दूसरा और बता देता हूँ एक ए बी ये तीन कंपाउंड्स ये चार और हैं इसमें थोड़ा सा बस ध्यान रखिए इनका जो ऑर्डर है ये क्या बताओ 1 2 3 मेथ एथ प्रोप ब्यूटीन है क्या ये ब्यूटीन है कि नहीं ब्यूटीन है ये वाला ऐसा कंपाउंड एक आया एक कंपाउंड ये आया एक कंपाउंड ये आया एक कंपाउंड ये आया सिस आया और ट्रांस आया अच्छा सिस ट्रांस मैंने लिखा नहीं है आप समझ जाओ कैसे एक में हाइड्रोजन सेम साइड लगा लोगे और एक में हाइड्रोजन अपोजिट साइड लगा लोगे तो बात ही कर चुके हैं हमने जनरल ऐसे लिख दिया इसमें एक सिस है और क्या है ट्रांस है इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है आई जी टी जैसे ही है
बात समझ रहे हो? ऐसे ही याद कर लो विदाउट एनी डाउट, जस्ट ये दो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, ये कर लो। बाकी आपको जहां पर भी जो लगाना है रूल, जो मैंने बता दिया है कि अगर सेम पाई बॉन्ड है तो लगा लो जहां पे जैसा है, डिफरेंट पाई बॉन्ड है लगा लो जहां पे जैसा है, पर बेटा इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। बस ये दो केसेस आपको ध्यान रखना, केवल ये दो केसेस। कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स बेटा ध्यान रखने ही पड़ेंगे। अरे ये सब एच ओ एच के ऑर्डर है, एच ओ एच के ऑर्डर है। सी ओ डी सेम नहीं बेटा, एक सीस और एक क्या है, अब सीस में क्या है कि दोनों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिखाया नहीं है, मतलब इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे, उसमें दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे, तो लगा लोगे तो सीस ट्रांस, मैंने सीस और ट्रांस लिख दिया है क्या बेटा, और फिर देख लो चेक कर लो। हाँ ट्रांस का ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी सीस से। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपको एच ओ एच का ऑर्डर लिखना है बेटा, एच ओ एच का ऑर्डर बता दे रहा, ए किसी भी नहीं के लिए, बस केवल दो ही केसेस ध्यान रखना, बी इसको मैंने बोल दिया सीस और इसको मैंने बोल दिया ट्रांस। अरे यहाँ पर राइट, राइट एच ओ एच ऑर्डर ध्यान देने, कॉम्बिनेशन में है ये कॉम्बिनेशन। अरे एक चीज बताओ बेटा, मोर पाई बॉन्ड मोर एच ओ एच, किस पाई बॉन्ड ज्यादा है, यानी ये का तो सबसे ज्यादा हो गया। अब रुकना, अब इसका इन दोनों में पाई बॉन्ड सेम है, सुनना जरा सा, ये सिंगल पाई बॉन्ड वाला सिस्टम आ गया, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन किया बेटा, ध्यान देना जरा सा, ये छोटे छोटे पार्ट है बेटा, अब यही पे कहानी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए जो चीज मैंने आपको बोल दिया उसको ध्यान रखना जरा सा एकदम। अब जरा बताओ इसमें मोर पाई बॉन्ड, सीधे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख देते, मोर पाई बॉन्ड मोर एच ओ एच, इसका तो भाई एक का तो ज्यादा हो गया। अब इन दोनों की बात करें तो ये आपका लेस स्टेबल है, बताओ बेटा, और ये मोर स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ट्रांस इज, लास्ट टाइम भी बात किए थे, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में और कुछ बातें बतानी है, इतना बात समझ में आता है कि नहीं आता है, तो अगर ट्रांस है ये, अब बताओ अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी, क्योंकि क्योंकि अगर सेम पाई बॉन्ड है तो क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, एच ओ एच के क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, बताओ बेटा, तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका एनर्जी, और ये कम स्टेबल तो इसका एनर्जी, तो बताओ कौन सा आएगा इसके बाद, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, कर पाओगे बेटा आप क्वेश्चन, एंड इन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी यहाँ तक समझ में आता जा रहा है कि नहीं आता जा रहा है, बोलो बेटा क्लियर है ना कॉन्सेप्ट यहाँ तक, ओके गुड, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा साइक्लिक अल्किन की, साइक्लिक अल्किन की बात करने जा रहे ये चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म जब मैं बताऊंगा ना, कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या बताऊंगा, क्या को पता ना जितनी भी अल्किन्स हैं वहां पे हम चांसेस बनते हैं किसके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के चांसेस,
वहाँ पे, बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस मैं आपको लिखाना चाहूँगा, उसके बेस्ड एक दो एग्जांपल्स कराना चाहूँगा। साइक्लिक अल्किन की बात कर रहे हैं, आप कर लो फिर स्टार्ट करें, इसको जल्दी से कर लो। आई थिंक कर लिया होगा।